इतनी जल्दी हो रही साले को भाग। हमारे जम भी भैया तो है, देखिए मैं थॉर बन के दिखाऊँ आपको, ये देखिए गाइस हमारे पास आ गई है थॉर की पावर। सो हे गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिव आदमी में, एंड आज हम खेलने वाले हैं वापिस से माइनक्राफ्ट। एंड मैं माइनक्राफ्ट में आपको सिखाऊंगा कि आपको किस चीज़ में कैसी एन्चेंटमेंट लगानी चाहिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को, एंड सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्वॉर्ड से। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्वॉर्ड में आपको कौन कौन सी एन्चेंटमेंट लगानी चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम यहाँ पर से अपनी स्वॉर्ड ले लेते हैं, एंड स्वॉर्ड में जो सबसे पहले एन्चेंटेड लगती है वो होती है फर्स्ट में शार्पनेस। इससे ये होता है कि आप जिस भी बंदे को मारोगे उसका जो हमारे तलवार का जो है अटैक डैमेज बढ़ जाएगा, वो जल्दी बंदा मर जाएगा। एंड जो नंबर दो पे आती है नॉकबैक से होता है आप जिस भी बंदे को आप मारते हो बंदा बहुत दूर जाके गिरेगा। एंड तीसरी आ गई फायर एक्सेप्टेड, तो इससे ऐसा होता है कि अगर आप किसी बंदे को मारोगे तो उसके ऊपर आग जल जाएगी। एंड अनब्रेकिंग से ये होता है कि हमारी तलवार की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब तलवार जल्दी नहीं टूटती है। एंड मेंडिंग से तलवार वापस रिपेयर हो जाती है। एंड जो हमारी इसके बाद लॉयलिटी से ये होता है कि अगर आप किसी पिक को मारते हैं या किसी भी जानवर को मारते हैं, अगर आपसे उसको एक चीज़ मिलती है कोई भी सामान, तो ये लगाने से आपको दो या तीन मिलेगी। तो गाइस चलो फटाफट से इसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चलो मैंने यहाँ पर से ये ले लिया है, एंड मैं यहाँ पर शॉर्ट को रख देता हूँ। एंड शार्पनेस एक लग गई, एंड फिर इसके बाद लगाते हैं नॉक बैग, ये भी लग गई। एंड फिर लगाते हैं हम फायर एक्सेप्टेड, एंड उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर अनब्रेकिंग। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे मैंडिंग, एंड उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर लूटिंग। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर इसको मार के दिखाता हूँ, भेड़ है ना यहाँ पर, तो ये वन शॉट इसमें आग लगी आप देख सकते हैं। एंड हमको जो वो मिला है वो दो मिला है, एंड वो भी जला हुआ मिला है, मतलब पका हुआ मिला है। इसको लगा के आपको मतलब किसी भी मॉब्स को मारो, मतलब उसको मारोगे तो उसका जो भी सामान होगा पक्का मिलेगा, देख सकते हैं। देयर वी गो। तो गाइस जो हमारे नंबर टू में आ जाती है वो है हमारी एक्स, तो एक्स में देखेंगे हम कौन कौन सी हमारी एन्चेंटेज लगेगी। एंड जो सबसे नंबर वन पे अनब्रेकिंग तो आपको पता चल ही गया है क्या करती है, एंड शार्पनेस भी आपको पता ही है, एंड उसके बाद है इफिशेंसी, एंड उसके बाद है मेंडिंग। तो मेंडिंग, अनब्रेकिंग एंड शार्पनेस का आपको पता है इफिशेंसी ये करती है कि आप अगर जैसे क्रिएटिव में जैसे किसी भी सामान या किसी भी चीज़ को तोड़ते हो तो फटाफट टूटती है ना, तो इफिशेंसी लगा के हम सर्वाइवल में भी वो चीज़ को फटाफट तोड़ सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, एंड मैंने यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। एंड गाइज मैं एक बार आ जाता हूँ सर्वाइवल में, देर वी गो। तो गाइज मैं आ गया हूँ सर्वाइवल में, एंड मैं आपको यहाँ पर ये काट के दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितनी जल्दी कट रही है हमारा, एंड हमको वो मिल भी रहा है, जो चीज़ है वो हमें मिल भी रही है, देख सकते हैं आप। एंड गाइस जो नंबर तीन पे है हम क्या है, ये पिकैक्स है, हम लगाने वाले पिकैक्स में जो हमारी क्या कहते हैं एन्चेंटेज लगती है वो होती है इफिशेंसी, जिसका आपको पता ही है। एंड सिल्क डस्ट से ये होता है कि अगर आप डायमंड को खोदेंगे तो हमें डायमंड का जो ब्लॉक होता है ना, जिससे मतलब डायमंड टूट के डायमंड मिलता है वाला मिलेगा, सिल्क डस्ट से ये होता है। एंड अनब्रेकिंग का आपको पता ही है, और फॉर्चुनर से ये होता है कि मतलब ये या तो फॉर्चुनर लगेगी या फिर सिल्क डस्ट, इन दोनों में से एक ही चीज़ लगती है। एंड मेंडिंग का भी आपको पता ही है, मैं इसको फटाफट से लगाता हूँ यहाँ। ये तो मतलब फॉर्च्यून तो हमारी लगेगी नहीं, क्योंकि ये इन दोनों में से एक ही चीज़ लगती है। तो गाइस मैं आ गया हूँ सर्वाइवल में, एंड शॉर्ट ये देखिए पत्थर कितने तेज़ी तेज़ी से टूट रहे हैं ये। एंड गाइस हमको जैसे बस होता है ना पत्थर तोड़ने के बाद, सेम यही जो है वही हमें यहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। एंड मैं चलो फटाफट से ऊपर जाता हूँ। एंड गाइस तो हम यहाँ पर इसमें सिल्क टच लगा देंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे इफिशेंसी 5, एंड उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे ये देखिए अभी हमारी ये नहीं लग रही है, उसके बाद अनब्रेकिंग लगा देंगे। एंड चलिए गाइस हम फटाफट से सर्वाइवल करते हैं, एंड फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं सर्वाइवल में, एंड आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से एंड कितनी जल्दी खोद रही है, आप देख सकते हैं। इतना तो हम क्रिएटिव में भी इतना जल्दी नहीं खोद पाते जितना जल्दी ये खोद रही है, एंड हमको सेम वही ब्लॉक मिल रहे हैं डट के, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम अपनी अगली एन्चेंटमेंट की तरफ, तो उससे पहले मैं क्रिएटिव कर देता हूँ। हम लगाने वाले हैं अब हो में ज़्यादा लोग मतलब एन्चेंटमेंट लगाते नहीं, बट मैं आपको बताऊँगा सिल्क टच वही चीज़ लगती है इसमें भी और वही काम करती है, तो मैं आपको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको फटाफट से लगा देता हूँ। एंड तो ये हमारी लग चुकी है। तो अब जो हमारी अगली जो चीज़ है वो है हमारी बो।
तो गाइस बहुत से लोग मतलब बू में मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सी हमें वो लगानी, तो मैं आपको बताऊंगा कि बू में क्या क्या मतलब काम करती है। तो सबसे पहले बू ले लेते हैं, एंड इसमें जो है अनब्रेकिंग आपको पता ही है, एंड इसके बाद पावर। तो पावर से ये होता है कि बिना एन्चेंटमेंट के जो बू मारेंगे तो उसकी जो तीर है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, तो ये लगा के ज़्यादा दूर जाएगी। एंड पंचे से भी वही होता है, ज़्यादा वो देती है, अटैक ज़्यादा देती है। एंड जो फ्लेम है इससे होता है कि आप जो भी तीर फेंकोगे एंड जिस बंदे के ऊपर भी फेंकोगे उसके ऊपर आग लग जाएगी पूरी। एंड जो उसके बाद है इन्फिनिटी से ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी तीर है एंड आप उस तीर को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, तो अगर आपके पास एक ही तीर है तो इन्फिनिटी अगर आपके उसमें लगी हुई है, बो में लगी हुई है, तो मतलब आप अनलिमिटेड तीर मार सकते हो, आपके तीर खत्म नहीं होंगे अगर आपके पास एक तीर है तब भी। एंड उसके बाद ये मेंडिंग का आपको बताइए, मेंडिंग या इन्फिनिटी में से आपका कोई एक ही लगेगा, तो मेरे को ज़्यादा जो सही लगती है वो होती है इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें अगर हमारे पास हम सर्वाइवल में खेलें एंड हमारे पास एक ही बो है, एक ही तीर है, तो मतलब वो हमारा बार बार चलते रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो गाइस चलिए फटाफट से इसको लगाते हैं, एंड मैंने यहाँ पर से सर्वाइवल कर लिया है आप देख सकते हैं। और अब मेरे को जो भी मॉब्स है कुछ भी दिखेगा, कुछ तो दिख जा, क्रीपर दिखा है तो हम क्रीपर को मारते हैं यहाँ पर। ओह मैं बो लेना भूल गया, तो मैं एक मिनट बो ले लेता हूँ। ओ सॉरी, तीर कहना चाह रहा था मैं, गलती से बो निकल गया मुँह से। तो मैं यहाँ पर अब क्रीपर तो पानी के अंदर चले गया है तो उस पर तो आग नहीं लगेगी, तो मैं इस पर मार के दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं। एंड गाइस ओनली एक तीर हाथ में पकड़ी है मैंने, एंड बाकी सारे तीर में यहाँ पर से चलो इसके अंदर डाल देते हैं, उधर चले जाएंगे 62 के 62। एंड हमारे पास कुछ भी नहीं है, वन तीर है जो मेरे हाथ में ही है। तो गाइस हम यहाँ पर से एक तीर किसको मारें, चलो इसे ही मार देते हैं, ये मार दें। एंड अनदर दोबारा से हमारा आ जाएगा वही तीर, एंड हम फिर इस क्रीपर को वन शॉट जाएंगे, क्योंकि हमारी पंच एंड पावर लग रही है, तो सब जो भी होगा मतलब कम के मॉब्स जो भी हैं सब वन शॉट ही जाते हैं। एंड मैं इसी तीर को अगर यहाँ पर रख के मारूंगा तो ख़त्म हो गया, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं हमारा इन्फिनिटी लगा के ये होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली एन्चेंटमेंट की तरफ। तो जो अगली एन्चेंटमेंट है वो है हमारी ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट में दो प्रकार की एन्चेंटमेंट लगती है। जो सबसे पहले एन्चेंटमेंट लगती है वो अनब्रेकिंग रेप्टाइड एंड मेंडिंग। रेप्टाइड से ये होता है कि आप हवा में उड़ सकते हैं, अगर बारिश आप किसी पानी में खड़े हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सर्वाइवल कर लिया है एंड मैं आ जाता हूँ पानी के अंदर। एंड आप देख सकते हैं मैंने ऊपर मार दिया है, एंड देख सकते हैं मैं हवा में आ गया हूँ, हम ऐसे कहीं भी जा सकते हैं, ये हम यहाँ पर आ गए हैं। एंड उसके बाद जो हमारी सेकेंड चीज़ है वो होने वाली है हमारी जो दूसरी हमारे ट्राइडेंट में जो दूसरी वो लगती, क्या कहते हैं एन्चेंटमेंट, उसके लिए हमें चाहिए अनब्रेकिंग आपको पता ही है, मेंडिंग लगती है, चैनलिंग लगती है, एंड लॉयलिटी लगती है। चैनलिंग से ये होता है कि आप थॉर बन जाएंगे, मतलब आप जिस भी बंदे के ऊपर ही मारेंगे उसके ऊपर बिजली कड़केगी। एंड लॉयलिटी से ये होता है अगर आप सर्वाइवल में खेलने हैं तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको कहीं भी मारोगे तो वो आपके पास वापस आएगा, मतलब समझ लो कि फुल आपके पास थॉर की पावर आ जाएगी। तो मैं इसको फटाफट से लगा देता हूँ, अनब्रेकिंग लगा देते हैं सबसे पहले, एंड इसके बाद यहाँ पर मेंडिंग लग जाएगी हमारी, एंड फिर लग जाएगी हमारी चैनलिंग जिससे हम थॉर बनने वाले हैं। एंड थॉर के हथौड़े को थोड़ा हमारे हाथ का वो भी चाहिए ना कि हाँ इसी हाथ में तेरे को वापस आना है। तो देख सकते हैं अभी तो बारिश तो नहीं चल रही, बट मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर मार के, ये देखिए वापस आ रहा है हमारे पास। एंड चलो मैं बारिश का मौसम कर देता हूँ, जिसके वजह से बारिश में ही आप मतलब इसको चलाएंगे तभी आप थॉर बन सकते हैं, विदाउट बारिश नहीं बनेंगे। बिजली कड़कने की आवाज़ ट्राई करते हैं, ये देखिए आप देख सकते हो, वो गजब है, तो मैंने अभी तक कोई ट्राई नहीं किया यार। अगर हम पिक पे अगर इसे मारेंगे तो क्या बन जाता है, इसको पिगलिन तो कहते हैं, पिगलिन बन जाएगा। तो देखो देखते हैं इसको मारते हैं तो ये क्या बनता है देखते हैं। हाँ अच्छा, ये बारिश में नहीं खड़ा ना, जो बारिश में खड़ा होगा जिससे मुर्गी मैन बन जाएगी क्या, बिजली और इस साले को भाग। तो हमारे जम भी भैया तो है, देखिए मैं थॉर बन के दिखाऊँ आपको, ये देखिए गाइस हमारे पास आ गई है थॉर की पावर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइस हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं गेमिंग की, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।